नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सार्थक पाटिल जेवीएम सार्थक चैनल से, और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग इस डेल मल्टीमीडिया कीबोर्ड जिसका मॉडल नंबर है KB216। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि ये कीबोर्ड मैंने अमेजोन से मंगवाया है, जिसकी प्राइस लगभग 600 to 700 रुपीज़ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा सा कीबोर्ड है, स्लिम सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स मिल जाता है। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया है, ये अच्छी सी पैकिंग में आया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ये विंडोज़ 7 को कंपैटिबल है, विंडोज़ 8 कंपैटिबल, विंडोज़ 10 कंपैटिबल, और ये सर्टिफाइड हाई स्पीड यूएसबी केबल सिलेक्ट करता है, जिसको आप अपने कंप्यूटर, पीसी, टैबलेट, मोबाइल या किसी भी अदर डिवाइस से कनेक्ट करके हाई स्पीड परफॉर्मेंस पा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पीछे की साइड ये रही, ये इसके पीछे की साइड पे एक बस एक ये फ़ोटो है जिसका एक आपको दिखाता है एक प्रीव्यू, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो चाइनीज़ में है, वो पढ़ता मेरे को पढ़ना नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इसकी प्राइस यहाँ लिखी हुई है 649 रुपीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए हम लोग पहले तो यहाँ से इसको ये कवर हटा देंगे। कवर हटाने के बाद हम ये इसके अंदर और एक बॉक्स है शायद, हाँ इसके अंदर और एक बॉक्स है, इस बॉक्स को निकाल देंगे और इस बॉक्स को रखेंगे साइड में। यहाँ आपको मिल जाता है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स जिसके ऊपर है डेल की ब्रांडिंग, कुछ स्टिकर्स, और राइट साइड पे एक कीबोर्ड का साइन जो बताता है कि ये कीबोर्ड है। तो दोस्तों इसके पीछे वाले साइड में है लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल रिसाइक्लेबल है। तो चलिए हम इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं, और बस आपको बस ये कवर ओपन करना है, और बस मैंने इसको पहले से ओपन किया था तो ये प्लास्टिक शीट में बंद था, मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ मिलता है कुछ पेपर वर्क, सेफ्टी, एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, आप इसको ज़रूर पढ़ना। उसके बाद मिलता है हमें ये कार्ड जो कि है डेल से, जिस पे लिखा हुआ है ये है एक पैन पास कार्ड, ये आप www.t3315.com पे जाइए और इस वेबसाइट को एक्सेस करके यहाँ ये कोड स्क्रैच करके उस पर डालिए तो आपको एक साल की वारंटी मिल जाएगी। तो इसको रखते हैं हम साइड में और आते हैं अब हमारे मेन प्रोडक्ट के पास, जो है एक कीबोर्ड, शानदार सा कॉम्पैक्ट सा स्लिम सा कीबोर्ड। इसको मैं निकाल लेता हूँ बॉक्स से बाहर। ये एकदम हल्का सा कीबोर्ड है जिसका वेट है 209 ग्राम्स ओनली। इसके ये इसकी केबल है जो कि है 2.0 यूएसबी केबल, जो आप आपके मोबाइल में लगा पीसी में लगा सकते हैं, कंप्यूटर में लगा सकते हैं और मोबाइल में भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पता नहीं होगा मोबाइल में कैसे लगाते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा दोस्तों, अभी आप ये वीडियो को पूरी अंत तक देखें। दोस्तों अब आते हैं इस कीबोर्ड के पास, कीबोर्ड में देखते हैं बटन्स है, एस्केप का F1 पे जाता है, ये स्लीप मोड का बटन जो कि दबाने के बाद आप अपने किसी भी कनेक्टेड डिवाइस को ये कीबोर्ड स्लीप मोड में चला जाएगा। दोस्तों इसमें और 3 बटन्स एक्स्ट्रा है जो कि है म्यूट के, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, नम लॉक, प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन, स्क्रॉल लॉक एंड पॉज ब्रेक ऑप्शन। दोस्तों इसमें है विंडोज़ 10 का ये होम बटन जिससे आपको एक अच्छा सा लुक मिल जाता है। दोस्तों ये है एक कॉम्पैक्ट सा है जो कि मेरे पाम में फिट हो जाता है। तो इसके पीछे वाले साइड में हम देखते हैं क्या है, इसके पीछे वाले साइड में देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ 2 क्लिप्स जैसा कुछ नज़र आएगा जिसको आप ऐसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको एक अच्छा सा एंगल मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों इसके नीचे रबर पैड बहुत ही काफ़ी अच्छा है जो कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप ये कोई भी सरफेस पर रख सकते हैं और आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने OTG से कनेक्ट कर लिया है, ये OTG को मैंने मोबाइल में लगा दिया है। दोस्तों आप OTG को 75 से 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज में ख़रीद सकते हैं,
और ये है मेरा टैबलेट जो कि आईबॉल का है। तो दोस्तों आपने कनेक्ट करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा ऊपर सिलेक्ट कीबोर्ड लेआउट करके, तो आपको बस उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, ये डिफ़ॉल्ट को डिफ़ॉल्ट ही रहने देना और आपको बस आना है बैक। तो दोस्तों मैं आपको इसकी टाइपिंग दिखा देता हूँ, तो आप मैसेजिंग पे जाइए। मैसेजिंग के पे जाने के बाद आप कुछ भी टाइप थोड़ा टाइप करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये एकदम स्मूथ सा कीबोर्ड है, एकदम कॉम्पैक्ट सा अच्छा कीबोर्ड है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये कीबोर्ड अच्छा है, ये बजट ओरिएंटेड कीबोर्ड है जो कि 600 से 700 रुपए के प्राइस रेंज में मैं बोलूँगा इसको 5 स्टार। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको आप ज़रूर ख़रीद लीजिए। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कैप्स लॉक दबाने के बाद कैप्स लॉक पे यहाँ ये कुछ 3 इंडिकेशंस है जो आप हर कीबोर्ड में होते हैं और इस कीबोर्ड में भी है। तो इसकी यहाँ एक ये और एक अच्छी खासियत है, यहाँ पे ये 3 एरो बटन्स है। तो दोस्तों अगर आप चाहे तो इस कीबोर्ड को ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, स्नैपडील से या फिर कोई भी अन्य शॉप से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।